मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल में बड़ी रुकावटें सामने आ गईं। चार्जिंग स्टेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सबसे बड़ा मसला करार। मौजूदा रफ्तार कौमी हदफ के हुसूल में नाकाफी करार। चीन में 3 साल कैद में गुजारने वाले 2 माइकल्स के लिए कैनेडियन हुकूमत का बड़ा फैसला। हुकूमत की जानिब से दोनों माइकल्स को $multi-million की पेशकश। कनाडा की हुकूमत ने हर एक को तकरीबन $3 million की पेशकश की है। कैनेडियन सूबा ओंटारियो में मुसलसल 3rd रोज भी धुंध का राज रहा। शहरियों को दौरान ड्राइविंग एहतियात का मशवरा। शुमाली ओंटारियो के बेशतर इलाकों में मुंजमद बारिश की वार्निंग जारी। यूक्रेन का रूस के जंगी बहरी जहाज पर हमला, एक हलाक और मुतादित अहलकार जख्मी। मिजाइल हमले से बहरी जंगी जहाज में आग भड़क उठी। यूक्रेन के मिजाइल हमले में 4 इमारतें भी तबाह हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। वेलकम बैक। कनाडा की हुकूमत अपने शहरियों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफा चाहती है, लेकिन बहुत से अवामिल हुकूमत के इस मकसद में रुकावट बने हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला चार्जिंग स्टेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत अपने शहरियों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल में इजाफा चाहती है, लेकिन बहुत से अवामिल हुकूमत के इस मकसद में रुकावट बने हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला चार्जिंग स्टेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हामियों का कहना है कि कनाडा में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख हर साल रिकॉर्ड तोड़ने के साथ मांग वाजे है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कनाडा एक कौमी सनत की अंजुमन जो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है की जानिब से कहा गया है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और यह दिलचस्पी बढ़ रही है। कनाडा के वजीर माहौलियात स्टीवन गैल्बो ने गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त के मैंडेट के जवाबित की नकाब कुशाई की, जिसमें 2035 तक 100% सिफर अखराज वाली गाड़ियों की फरोख का कौमी हदफ शामिल है। कुछ मुबसरीन का कहना है कि EVs की मार्केट और मांग ज़्यादा अहम है। आदाद शुमार से पता चलता है कि ज़्यादातर कैनेडियन अब भी एक ख़रीदने के लिए ख़ास तौर पर बेचैन नहीं है और ये कि गैल्बो के तय करदा अहदाफ को हासिल करना मुश्किल हो सकता है। माहरीन का कहना है कि अगर हमें 2035 तक नई कारों की फरोख्त के 100% तक पहुँचना है, तो जिस रास्ते पर हम अभी चल रहे हैं वो हमें वहां तक नहीं पहुंचाएगा। अगर कारें मौजूद नहीं हैं, अगर वो काबिले बर्दाश्त नहीं हैं, तो आप मुंतकली नहीं कर सकते। हालिया आदाद शुमार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख में इजाफे को जाहिर करते हैं। शुमारियात कनाडा के इस माह की एक रिपोर्ट के मुताबिक नई जीरो एमिशन गाड़ियाँ 3rd तिमाही में रजिस्टर होने वाली तमाम नई मोटर गाड़ियों का 12.1% बनती हैं। इसने 2022 की 3rd तिमाही से इजाफे की नुमाइंदगी की, जब जेब्स तमाम मोटर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का 8.7% थी। ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबा जैसी जगहों पर नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख 5 में से 1 है। दरियासना कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए इंतजार की फहरिस्तों की खबरें आती रहती हैं। कुछ तजियाकारों का कहना है कि इसके बावजूद कुल फरोख्त ज़रूरी तौर पर सनत की ताकत की अक्कासी नहीं करती। अगरचा मार्केट में तरक्की है, लेकिन ये इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। कुछ हालिया सर्वे भी कनाडा की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ख़रीदारी में हिचकिचाहट की निशानदेही करते हैं। 2023 में सिर्फ 56% कार खरीदार जिनके पास EV नहीं थी, वो अपनी अगली गाड़ी के तौर पर एक खरीदने के लिए तैयार थे।
कनाडा की हुकूमत कैनेडियन माइकल एस्पेवर और माइकल कोब्रिक के लिए मल्टी मिलियन डॉलर के सेटलमेंट पैकेजेस पर दस्तखत करने के लिए तैयार है ताकि उनकी चीनी जेलों में 3 सालों की कैद की तलाफी की जा सके। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत कैनेडियन माइकल एस्पेवर और माइकल कोब्रिक के लिए मल्टी मिलियन डॉलर की सेटलमेंट पैकेजेस पर दस्तखत करने के लिए तैयार है ताकि उनकी चीनी जेलों में 3 सालों की कैद की तलाफी की जा सके। हुकूमती ज़राए का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि वफाकी वकला इन दोनों अफराद के साथ मुआवजे के लिए बातचीत कर रहे हैं जिन्हें 2018 में हिरासत में लिया गया था और वो नए साल के शुरू में माली तस्वीर को ख़त्म करने की उम्मीद कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडा एस्पेवर की जानिब से मुमकिन कानूनी चाराजोई से परेशान था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कैनेडा की हुकूमत ने हर एक को तकरीबन 3 मिलियन डॉलर की पेशकश की है लेकिन एस्पेवर के वकील ने 10.5 मिलियन डॉलर मांगे जिसमें ऑटावा ने चीन में सिक्योरिटी रिपोर्टिंग के कामों को किस तरह संभाला उस पर संगीन गफलत का इल्ज़ाम लगाया। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत 10.5 मिलियन डॉलर की पेशकश करने के लिए तैयार नहीं है और वो दोनों माइकल्स को एक ही पेशकश करने जा रही है। एस्पेवर और कोब्रिक को चीन में इस वक्त हिरासत में लिया गया था जब कनाडा की पुलिस ने चीनी टेलीकॉम आलात की बड़ी कंपनी हुआवे टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मैंग वांजू को अमरीकी वारंट पर हिरासत में लिया था। चीन ने इन दोनों कैनेडियन अफराद को 1000 से ज्यादा दिनों तक हिरासत में रखा था जो कि ऑटावा और बीजिंग के साथ वाशिंगटन के तनाजे के मरकज में था। इन अफराद को 2021 में उसी दिन रिहा किया गया था जब अमरीकी महकमा इंसाफ ने मैंग की हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और वो चीन वापस आ गई थी। कनाडा और रियासत हाय मुतहदा का कहना है कि कनाडा के शहरियों की हिरासत जिसे कनाडा के मीडिया ने 2 माइकल्स के तौर पर एक केस में करीब से पैरवी किया था गैरकानूनी और मनमानी थी। बीजिंग इस इल्ज़ाम की तर्दीद करता है। कैनेडियन सूबे ऑन्टारियो में मुसलसल तीसरे रोज भी धुंध का राज रहा। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से कहा गया है कि कुछ मकामात पर हद निगाह कम होने की वजह से सफर के खतरनाक होने की तवक्को है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ऑन्टारियो में मुसलसल तीसरे रोज भी धुंध का राज रहा। माहौलियात कैनेडा ने कहा कि घनी धुंध के इलाकों में आज सुबह जारी रहेगी लेकिन ज्यादातर इलाकों में सुबह के वक्त में बेहतरी आना शुरू हो जाना चाहिए। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से कहा गया है कि हद निगाह अचानक सिफर हो सकती है। कुछ मकामात पर हद निगाह कम होने की वजह से सफर के खतरनाक होने की तवक्को है। अगर गाड़ी चलाते वक्त हद निगाह कम हो जाती है तो रफ्तार कम करें, आगे टेल लाइट्स देखें और रुकने के लिए तैयार रहें। फॉग एडवाइजरी के तहत आने वाले कुछ इलाकों में टोरंटो, हैमिल्टन, मिसिसागा, ब्रैम्पटन, न्यू मार्केट, पिकरिंग, ऑक्सबर्ज, ओशावा, वॉन, रिचमंड हिल, मार्कहम, बर्लिंगटन, ओकवेल, कैनेडियन, हॉल्टन हिल्स, मिल्टन, नियाग्रा फॉल्स, सेंट कैथरीन्स शामिल हैं। वेलेंड, किचनर, वाटरलो, गेल्फ, कैम्ब्रिज, ब्रांडफोर्ड, डनवेल, कैलोडीनिया, ऑरेंजवेल, शेलब्रन, लिस्टोयल और स्ट्रीट फोर्ड, बैरी, ऑरेलिया, बेरियल, कोबर्ग, ब्रॉकवेल, सिडबरी, हेलीबर्टन, किंगस्टन, नेपिपिनी, मॉटेवलेन आइलैंड, पीटरब्रो और मिसकोका भी मुतासर हुए हैं। दूसरी जानब मंगल के रोज़ शुमाली ऑन्टारियो के बेशतर इलाकों में मुंजमद बारिश के इंतबाहत नाफिजल अमल थे क्योंकि सूबे के दीगर हिस्सों में धुंध की वजह से हद निगाह कम थी और ड्राइवरों के लिए खतरनाक हालात पैदा हो रहे थे। एनवायरमेंट कैनेडा ने बॉक्सिंग डे पर कई इलाकों को मुंजमद बारिश के इंतबाहत के तहत दर्ज किया। वार्निंग में कहा गया कि कुछ खितों को खतरात का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि बर्फ़ की तामीर या बर्फ़ के छुरों और बर्फ़ में मुंतकनी, ऐसे हालात के साथ जो रात भर जारी रहने की तवक्को है। मौसमियाती एजेंसी ने खबरदार किया कि हाईवेज, सड़कें, वॉकवेज और पार्किंग लॉट्स जैसी सतहें बर्फीली या फिसलन वाली हो सकती हैं और बर्फ़ के जमा होने से दरख्तों की शाखें टूट सकती हैं या यूटिलिटी बंद होने का खदशा है। हम कुछ मकामात पर तकरीबन 1 दिन की बर्फ जमने वाली बारिश को देख रहे हैं। रूस ने तस्दीक की है कि बहीरा अस्वद में उसके जंगी जहाज को मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया है जिसमें एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रूस ने तस्दीक की है कि बहीरा अस्वद में उसके जंगी जहाज को मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया है जिसमें एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मिसाइल हमले से बहरी जंगी जहाज में आग भड़क उठी। हमले में हलाक और जख्मी होने वालों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां 3 जख्मियों की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस के जेर कब्जा इलाके क्रीमिया में फ्यूडिसिया के मकाम पर बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। मिसाइल हमले में 4 इमारतें भी तबाह हो गईं। ये मिसाइल हमला यूक्रेन की जानिब से किया गया था जहां रूसी फौजें 2 साल कबल दाखिल हुई थीं
और मुख्तलिफ महाज़ों पर दोनों के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस रूस ने यूक्रेन के चार बड़े इलाकों पर अपना तसल्लुत कायम करके मुतनाज़ा रेफरेंडम कराया था, जिसमें अलहदगी पसंदों को फतह दिलवा कर उन इलाकों को रूस में शामिल कर लिया। इससे कबल 2014 में भी रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करके अपना तसल्लुत कायम किया था। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Views are precise and respected.